अब हम आपको कुछ अलग वर्क भी देंगे, तो कुछ जो हफ्ते में एक आध दिन समय निकालकर 5 मिनट 6 मिनट आपको एस्से राइटिंग का भी प्रैक्टिस हम करवाएंगे आपको। तो आज जो हमने सबसे पहला एस्से राइटिंग लिया है उसको मैं यहाँ लिखूँगा और पहले तरीका बताऊँगा आपको कि किस तरीके से जब भी आपको एस्से लिखने के लिए आएगा या कोई लॉन्ग आंसर टाइप का जब कोई आर्टिकल लिखने के लिए आएगा तो किस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को मतलब अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे ताकि ये जो आपका प्रेजेंटेशन हो काफ़ी अच्छा हो। तो जैसे हमने एक एस्से जो है पॉइंट ले लिया है जिस पर आपको लिखना है इम्पॉर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन इन लाइफ, ठीक है, या इम्पॉर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन इन लाइफ। तो ये एक है इम्पॉर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन इन लाइफ, ठीक है, यानी कि जीवन में उच्च शिक्षा का महत्व, जीवन में उच्च शिक्षा का महत्व। अब मान लिया कि ये आपको 1500 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, 1500 शब्द में आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, कैसे एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाएं, इस चीज़ को आप जो है कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करता हूँ, फिर जब इन फ्यूचर मैं आपको फिर कभी एस्से लिखने के लिए दूंगा तो उस वक्त आप खुद से करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। अभी से आप करेंगे तो आपकी जो है समझ बढ़िया हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी और एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। हफ्ते में अगर आप एक भी एस्से राइटिंग करते हैं सफिशियंट है, प्रिपरेशन आप करोगे साल दर साल, अगर आप जो है 1.5 साल भी कर रहे हो या 2 साल का भी टाइम लग रहा है तब तक आप काफ़ी कुछ अच्छा आप एक्सपीरियंस ले लोगे एस्से राइटिंग का, ठीक है। तो देखते हैं जब भी हम सिचुएशन हमारे सामने ऐसा आएगा एस्से लिखने के लिए तो हम इसको ब्रेक करेंगे अलग अलग चीज़ों में कि कैसे हमारी इफ़ेक्टिव राइटिंग हो। तो एक तो हमारा आ रहा है इम्पॉर्टेंस, ठीक है, दूसरा आ रहा है हायर एजुकेशन और तीसरा आ रहा है लाइफ, ठीक है, यानी कि उच्च शिक्षा, ठीक है, जीवन और महत्व, ये तीन चीज़ें हैं। चूंकि उच्च शिक्षा का महत्व पूछ रहे हैं जीवन में, ठीक है, तो सबसे पहले हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा को ही डिफाइन करना फर्स्ट प्रायोरिटी देना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर हम इसको रखेंगे, ठीक है, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन होता क्या है, कैसे कैसे गेन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम करेंगे। फिर उसका महत्व, हायर एजुकेशन का महत्व क्या है, ये सेकेंड प्रायोरिटी रहेगा हमारा। अब जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास मिल गई फिर हमारा जीवन कैसा होगा, जब हमारा हमने हायर एजुकेशन ले लिया उसका इम्पोर्टेंस हमने जान लिया फिर हमारा लाइफ कैसा होगा, हमारा जीवन कैसा होगा, ये हमारा थर्ड स्टेज हो गया, ठीक है। तो अब इस तरीके से पहला आपका जो मेन फिगर क्लियर हुआ कि आपने तीन मेन स्टेज में इसको तोड़ा, हायर एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, इम्पॉर्टेंस यानी महत्व को आपने सेकेंड प्रायोरिटी दिया और लाइफ यानी कि जीवन को आपने थर्ड प्रायोरिटी दिया, ठीक है।
अब ऐसा आप कॉपी पर घेरा नहीं बनाएंगे, आप ये सब अपना आप जो है मन में करेंगे या कहीं रफ में करेंगे, ठीक है। अब फिर हम इनको छोटे छोटे सब टॉपिक्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रेक करने के लिए फिर वही आपको जहां पर ऐसे लिखना है वहां नहीं, मन में भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं वो भूल जाएंगे आपको, सारे आइडियाज को आपको जो है एक रफ में, मतलब ऐसा भी नहीं कि जिस पेज पर आपको ऐसे लिखना है उसके लेफ्ट साइड में आपने बॉर्डर कर दिया वहां के, वहां आपने जो है नोट कर लिया आइडियाज, वहां भी नहीं, बिल्कुल जो है कॉपी के बैक में चले जाइए, वहां पूरा पेज रफ में लिख दीजिए, या फिर जो रफ वर्क के लिए स्पेस रहता है वहां पर आप अपना रफ वर्क करेंगे, ठीक है। रफ वर्क में देखते हैं क्या क्या आइडियाज आपको आपके माइंड में आ रहे हैं, उन उन आइडियाज को आपको यहाँ प्रेजेंट कर देना है, हर एक आइडिया के मतलब जो मेन जो है आपके पॉइंट्स हैं उन मेन पॉइंट को सिर्फ जो है रफ में नोट कर लेना है, और हर एक पॉइंट के बारे में अगर आप 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जो भी आपके दिमाग में आ रहा है अगर आप लिखते हो तो धीमे धीमे आप देखोगे कि बहुत सारे पॉइंट्स मिले, और हर एक पॉइंट को जब आप डिफाइन कर रहे हो तो लगभग लगभग 1500 जो शब्द हैं जो लिखने के लिए आपको टारगेट दिया गया है उनको आपने कितनी आसानी से अचीव कर लिया, और बहुत ही इफेक्टिव राइटिंग टू द पॉइंट आपको पता ही नहीं चलेगा, और वैसे आप बिना आप जो है पूरा प्रोजेक्ट तैयार किए हुए बिना आपने बिना माइंडसेट प्रिपेयर किए हुए अगर आपने लिखना चालू कर दिया उस वक्त आपको ये डिफिकल्टी आएगी कि जहां आपने 10 लाइनें लिखा और वो भी वो 10 लाइनें इफेक्टिव राइटिंग नहीं रहेंगी, और 10 लाइन लिखने के बाद भी वही पुरानी लाइनें बार बार घूम के नज़र में आएंगी, ठीक है, बार बार माइंड में आएंगी, तो वो राइटिंग अच्छी नहीं होगी। तो पहले जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करिए, कैटेगराइज करिए, फिर हर एक जो है कैटेगरी के बारे में पॉइंट्स क्या हैं उनको देखिए। तो पहले वाले में देखते हैं हम कि क्या हो सकता है, इसको चेंज करना होगा। जैसे जब हम हायर एजुकेशन लेते हैं तो सबसे पहला हमें क्या मिलता है, हम कुछ न्यू स्किल्स सीखते हैं, कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज को जानते हैं, ठीक है। तो पहला हमने क्या सीखा, स्किल्स या टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इनके बारे में हम कुछ लिखेंगे, 4 लाइनें 5 लाइनें, ठीक है, क्या लिखेंगे वो आप डिसाइड करेंगे, हम सिर्फ आपको जो है आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, आपको लिखना है। सेकेंड क्या हो सकता है देखिए, यानी कि ये हम सीखते हैं लर्न न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, लर्न न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। सेकेंड आप कोई आइडिया एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, यानी कि कोई नया विचार आपके जो है आप खोजते हैं और उन विचारों को आप अध्ययन करते हैं, जो रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, जो भी कॉम्प्लेक्स यानी कि जो जटिल विषय हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बेहतर होती है, आपकी समझ बढ़ती है, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ठीक है, जो जटिल विषय हैं उनकी समझ आपकी बेहतर होती है। और क्या हो सकता है पॉइंट्स, कि जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है चाहे वो लिखने का हो या बोलने का हो वो भी अच्छा होता है, तो क्या लिखेंगे, बेटर कम्युनिकेशन स्किल, दोनों टाइप के, चाहे वो रिटन वे में हो लिखने का हो, ठीक है, या बोलने का हो वर्बल हो, ठीक है। और क्या होगा कि
आप कुछ क्रिएटिव बनेंगे, कुछ न कुछ नया करेंगे। जब आपके पास नॉलेज होगा तो कुछ क्रिएटिव जो है आपसे कुछ क्रिएट होगा, कुछ क्रिएटिव आइडियाज आपके माइंड में आएंगे और कुछ न कुछ आप जो है निर्माण करेंगे। और इन सब सारी चीज़ों से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब इतनी चीज़ें अगर आपने लिखना स्टार्ट किया, अब इनके बारे में चार लाइन पांच लाइनें आप, ये सब मेन पॉइंट्स हैं, अब इनके बारे में चार लाइन पांच लाइनें आप जो है बढ़ाकर लिखेंगे तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें कि जब ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई तो फिर आप सेकेंड प्रायोरिटी जो आपने दिया है इम्पोर्टेंस को, इम्पोर्टेंस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इम्पोर्टेंस में देखिए ये सारी चीज़ें नॉलेज आपके पास हो गई, अब इम्पोर्टेंस में नंबर वन क्या हो सकता है आपका, कि मोर प्रोफेशनल, आप जो है जो प्रोफिशिएंसी या जो स्किल आप में कम था, अब आपने एजुकेशन ले लिया, हायर एजुकेशन ले लिया, आपका स्किल बढ़ गया, अब आप प्रोफेशनली अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, तो मोर प्रोफेशनल हो गए आप। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होगा, अब जब प्रोफेशनल हो गए तो उसके बाद क्या होगा कि आपका अपना डेवलपमेंट होगा, आपका अपना विकास होगा, पर्सनल डेवलपमेंट होगा। अपना आपका आपका व्यक्तित्व विकास होगा, आपका जो है बोलने का है जो है बोलने का लिखने का और आपके शैली में परिवर्तन आएगा, तो कई तरीके का जो है आपका डेवलपमेंटेशन होगा। ठीक है, थर्ड इज इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगा, मोर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, जब आपके पास जो है अगर नॉलेज है तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, अगर नॉलेज नहीं है, कम नॉलेज है, तो अपॉर्चुनिटीज आपको कम मिलेंगी। ठीक है, तो हायर एजुकेशन क्या करेगा आपको, मोर अपॉर्चुनिटीज आपको देगा। ठीक है, आपके सामने कई सारे अवसर आएंगे। अब अपॉर्चुनिटीज जब आपको मिल गई फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको रियलाइजेशन होगा किस चीज का, पैशन का, कि आपको कोई काम करना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट हो सकता है, अगला पॉइंट है सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड ग्रेटर सेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो कोई भी काम होगा, आपने हायर एजुकेशन लिया हुआ है तो कोई भी काम जब आप करेंगे तो पूरा डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें रहते हुए भी आप जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो ग्रेट डिसिप्लिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी तो अब क्या होगा कि जो आपका करियर होगा वो काफी बेहतर होगा, तो प्रॉस्पेरस करियर आपको मिलेगा। आपका जो करियर है वो काफ़ी अच्छा होगा, प्रॉस्पेरस करियर आपका होगा। एंड जो द लास्ट थिंग इज, अगर करियर बढ़िया हुआ, नॉलेज आपके पास है, तो कोई भी आप चाहे बिजनेस करें या कुछ भी करें, कोई इंडस्ट्री वगैरह करें लगाएं, तो उसके लिए आपको सपोर्ट मिलेगा, बेहतर सपोर्ट मिलेगा। तो सपोर्टिव नॉलेज, फॉर बिजनेस और इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपका इंपॉर्टेंस में हो गया,
अब इन सब का आपके लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, इसको यहां देखें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले जब इतने सारे स्किल्स आ गए तो सबसे पहले आपको जॉब मिलने में आसानी होगी, ठीक है। जॉब अगर मिल गई तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी आपकी, ठीक है। किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, ये डर नहीं है कि हमारे हाथ में नौकरी नहीं है या कल को मैं क्या खाऊंगा, एक सिक्योरिटी आपको मिल गई फाइनेंशियल। तीसरा क्या होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई आपका जॉब मिलने से, अब क्या होगा आपकी जो लाइफ है वो कैसी होगी, बेहतर होगी पहले से, तो बेटर लाइफ या बेटर लाइफ क्वालिटी। लाइफ स्टाइल बोल दें, ठीक है, आपकी लाइफ स्टाइल बढ़िया होगी। कैसे बढ़िया होगी, लग्जरियस आइटम्स वगैरह आप यूज करेंगे काफी, गाड़ियां हुई, अच्छे खान पीन हुआ, कहीं टहलना घूमना हुआ, तो कई सारी चीजें हो गई, तो इसमें बेटर लाइफ स्टाइल में सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। ट्रेवल हुआ आपका, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बंगले हो गए, गाड़ियां हो गई, टहलना घूमना, तमाम सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपका हैप्पियर एंड हेल्दी लाइफ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हैप्पियर एंड हेल्दी लाइफ आपको हो सकता है। इसके अलावा अब क्या होगा, और क्या पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, देखिए कि जैसे जो आपका सिविक इन्वॉल्वमेंट है, समाज में वो भी आपका बढ़ेगा, ठीक है, और एक बेहतर भविष्य आप दे सकते हैं, ब्राइट फ्यूचर आने वाले के लिए, ठीक है। तो आप, ठीक है, फ्यूचर आपका वो भी अच्छा होगा। अब ये सब सारी चीजें अगर पॉजिटिव रहीं तो दूसरा जो इम्पैक्ट आपके कंट्री पर होगा वो देख लीजिए, और भी पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे, आप बढ़ाते जाएंगे। क्या होगा, आपकी कंट्री की इकोनॉमी, भाई एक एक व्यक्ति अगर जो है शिक्षित हो, धनी हो, तो हर एक का इम्पैक्ट आपकी कंट्री पर भी होगा, उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, कंडीशन बढ़िया होगा, ठीक है, गरीबी घटेगी, पॉवर्टी डाउन होगा, ठीक है, साफ सफाई जो है पूरे कंट्री में रहेगी। भाई जब आप साफ सफाई पसंद करेंगे, आपकी सोसाइटी में साफ सफाई रहेगा तो पूरे कंट्री में साफ सफाई रहेगा, ठीक है, तो नेट एंड क्लीन सारी चीजें रहेंगी। इसके अलावा क्राइम में कमी आएगी, ठीक है, भ्रष्टाचार कम होगा, करप्शन में कमी आएगी। खैर इसमें इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी जो है करप्शन और क्राइम को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी आप उस नेगेटिव पॉइंट को हटाएंगे, आप पॉजिटिव पॉइंट्स को लिखेंगे, ठीक है। तो करप्शन और क्राइम में भी कमी आएगी, तो मतलब इस तरीके से आप जो है सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करके आप 1500 वर्ड्स को काफ़ी इजीली अचीव कर सकते हैं, और आपका जो एस्से होगा वो एस्से राइटिंग बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। तो आई होप
कि आप लोग को जो है काफ़ी हेल्प मिला होगा। इसी तरीके से आप जो अगले भी एक्से जो है दिए जाएंगे उनको भी आप ब्रेक करके और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।